हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ होली स्पेशल चिकन की एक बहुत ही डिलीशियस और बिल्कुल नई रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। बनाने का तरीका एकदम आसान है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होता है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये रेसिपी आपको और आपके फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस में मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है, इसमें छोटी चम्मच साबुत धनिया, एक छोटी चम्मच साबुत ज़ीरा और आधी छोटी चम्मच गोल मिर्च और एक चौथाई चम्मच शाह ज़ीरा, दो छोटे टुकड़े दालचीनी और यहाँ पे 6 से 8 पीस लौंग और यहाँ पे एक बड़ी इलायची और एक छोटा सा जावित्री और स्टाइनिस का एक टुकड़ा छोटा सा और 4 पीस यहाँ पे छोटी इलायची। सबको यहाँ पे मीडियम आंच पे रोस्ट कर लेना है, हल्का सा रोस्ट करना है। देखिए हल्का रोस्ट हो गया। एक यहाँ पे बेलीफ यानी तेजपत्ता तोड़ के डाल देना और अच्छे से इसको मीडियम आंच पे हल्का सा रोस्ट कर लेना। देखिए ये रोस्ट हो चुका है। अब करेंगे गैस बंद, इसको रख देंगे साइड में, ड्राई डस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से कढ़ाई गैस पे चढ़ा दिया, इसमें 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैंने कड़वा तेल डाला है। जो आप तेल खाते हो वो आप ले लेना। और यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ प्याज को इस तरह स्लाइस में काट लिया है, आप चाहो तो छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो। सबसे पहले एक तेज़पत्ता डालेंगे, एक छोटी इलायची डालेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा, ज़्यादा खड़ा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने गर्म मसाला का डस्ट तैयार करके रख लिया है। और तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें प्याज डाल देना है और डाल के इसको ब्राउन करना है। देखिए अब ये जल्दी कैसे ब्राउन होगा, एक ट्रिक यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे क्या करना, थोड़ा सा नमक डाल देना। थोड़ा सा नमक डालने से क्या होगा, ये जल्दी ब्राउन हो जाएगा और कलर भी प्यारा आएगा। देखिए ये ब्राउन हो रहा है। इस बीच में वहाँ पे मैंने चिकन को अच्छे से, यहाँ पे चिकन मैंने 500 ग्राम ले लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है। देखिए अच्छे से धो लीजिएगा, इसी तरह अच्छे से क्लीन कर लिया है। और इसको अभी रखेंगे साइड में, जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तब इसको डालेंगे। तो इसको पानी से छान के आप साइड रख लेना। तो देखिए यहाँ पे ये प्याज ब्राउन हो गया है, मैं उठा के दिखा रही हूँ। इसी तरह का ब्राउन रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना हमारा ये चिकन कड़वा हो जाएगा। ज़्यादा ब्राउन कीजिएगा। अब इसी में पीस को पानी से पूरा अच्छे से छान के निकाल लेना है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से इसके अंदर भून लेना है। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा। देखिए कलर चेंज हो जाएगा, ये कलर चेंज हो गया है, इतने ही भूनना है। अगर ज़्यादा भूनिएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगा चिकन, जो सॉफ्टनेस रहता है ना चिकन के अंदर वो ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 6 छोटे चम्मच से मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है, बड़े रहे तो 3 चम्मच डालना। डाल के इसको फिर 1 मिनट भून लेना है यहाँ पे, कि इसका हल्का सा कच्चापन दूर हो जाए लहसुन का। अब यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो गया है। अब यहाँ पे 3 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी डाल के अच्छे से भून लेना है। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से भून लेंगे कि अदरक का और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। देखिए ये अच्छे से भुना चुका है। अब यहाँ पे क्या क्या, मिक्सी जार में मैंने 5 से 6 सूखी मिर्च जो होती है लाल वाली, उसका पेस्ट बना लिया है, वो डाल ले हैं। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हो, इसके जगह लाल मिर्च 10 भी डाल देना। अब टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे और आधी चम्मच हल्दी 10 डालेंगे और इसमें और कोई मसाला भी नहीं डालेंगे दोस्तों। बिल्कुल कम मसाला में झटपट बनके तैयार हो जाता है। जो आपके किचन में मौजूद हो सामान उसी से तैयार होता है, आपको बाहर से एक्स्ट्रा कुछ लाने की ज़रूरत नहीं। इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। देखिए 2 मिनट फिर कवर हटाएंगे, इसमें अभी मैंने पानी नहीं डाला है। इसी तरह भूनेंगे, इसका पानी पहले सुखा लेंगे तब इसमें भी पानी डालेंगे। जो मसाला मैंने डाला था ना उसका पानी छोड़ा है, इसी तरह बीच में कवर कर देना और चलाना। आप देखिए यहाँ पे पानी सूख गया था, तो 2 चम्मच यहाँ पे पानी डाल देंगे, ज़्यादा पानी अभी नहीं डालना, फिर कवर कर देंगे। फिर देखिए मैंने 5 मिनट फिर हटाया है, तो देखिए 5 मिनट फिर मैंने हटाया है। देखिए चिकन हल्का सॉफ्ट भी हो गया है और ये भुना भी रहा है। अब यहाँ पे पानी नहीं डालेंगे, इसका पानी अभी सुखा लेना, फिर कवर कर देंगे। फिर 2 मिनट में मैंने कवर हटाया है, तो देखिए इसका पानी सूख गया है और ये भुना चुका है और 50% देखिए चिकन गल चुका है और इसमें खुशबू भी आने लगी है। अभी थोड़ा और भुनागा। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो मैंने गरम मसाला डस्ट तैयार करके रखा था ना, जो रोस्ट किया था, 1 चम्मच इसके अंदर डाल देंगे कि अंदर अंदर तक इसका फ्लेवर चला जाए। फिर इसको अच्छे से चला लेना है। चलाने के बाद फिर इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए। उससे पहले यहाँ पर नमक चख लेना, कम रहेगा तो अपना टेस्ट के अनुसार डाल लेना। देखिए 2 मिनट फिर मैंने कवर हटाया है, तो देखिए ये अच्छे से भुना गया है, इसमें खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, इसका पानी भी सूख चुका है और देखिए अच्छे से कुक भी हो गया। अब यहाँ पर क्या करना, 2 चम्मच
चम्मच यहाँ पे मैंने फ्रेश दही लिया, खूब अच्छे से फेंट के डालना। खट्टा रहे तो एक चम्मच लेना, ज़्यादा नहीं डाल देना। दो चम्मच फ्रेश दही डाल देना और इसको यहाँ पे छोड़ना नहीं, अच्छे से चलाना जब तक इसमें खदक न जाए, इन्हें बॉयल नहीं आ जाए, वरना ये इसका ग्रेवी फटाफटा हो जाएगा। और दही डाल के छोड़ देने से देखिए इसमें बॉयल आ गया, खदक गया है, इसको अच्छे से चला लेना है। तो दोस्तों इसी तरह मीडियम टू लो आंच पे इसको चलाना है, फिर कवर करना है, फिर चलाना है, फिर इसी तरह करते हुए यानी 20 मिनट्स लगता है। 20 मिनट्स में ये तैयार हो जाता है। देखिए मैंने कवर कर दिया था, फिर मैंने कवर हटाया, किनारे किनारे ऑयल छोड़ चुका है, खुशबू बहुत गज़ब की आ रही है, यानी बूरा अच्छे से भुना चुका है, मसाला का कच्चापन दूर हो गया है। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लेना, अगर ग्रेवी ज़्यादा चाहते हो, अगर यानी तरी वाला जिसको बोलते हैं, तो पानी उसी हिसाब से ऐड कर लेना, और भुना चाहते हो तो भुना रख सकते हो। मैं यहाँ पे ग्रेवी वाला रख रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने एक कप पानी डाल दिया। इसको अच्छे से चला लेना, यहाँ पे एक दफ़ा फिर से नमक चख लेना, और जो गरम मसाला डस्ट जो मैंने तैयार किया था, एक चम्मच डाला था, एक बचा था, ऊपर से डाल देना है, खूब अच्छे से मिक्स कर देना है। पूरा कढ़ाई के किनारे किनारे भी पानी डाल देना, और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च डाल देना, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। देखिए चिकन का हड्डी छोड़ चुका है, यानी चिकन अच्छे से कुक हो गया है। फिर इसको कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे, कि इसका हरी मिर्च और गर्म मसाला का फ्लेवर अंदर तक चला जाए। तो देखिए ये चिकन बन के रेडी हो गया। अब करेंगे गैस बंद 2 मिनट बाद। फिर मैंने कवर हटाया, अब ऊपर से क्या करना, एक चम्मच देसी घी डाल देना। घी डालने से हमारे चिकन का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। ये ऑप्शनल है, अगर पसंद है तो डालना, घी के जगह मक्खन भी डाल सकते हो। ऊपर से धनिया पत्ती डाल देंगे, इसे सर्व करेंगे तो देखिए बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सा हमारा चिकन बनके रेडी हो गया है। इसे चावल, रोटी या पुलाव जिसके साथ भी सर्व करोगे, सबके साथ खाने में अच्छा लगता है। मैंने मटर पुलाव के साथ इसे सर्व किया था, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगा था। तो इस होली में आप इसे ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ओके, बाय, टेक केयर। मैं फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।